ਪੂਰੀ ਜੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬਾਬ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟ ਹੈ बेहतरीन किस्म का ए इन्हां दी सॉसेस ने देखो ए सॉसेस ने जो कि नाल है सर्व कर देना सब तो पहले इस तरह भी किया जाए लैमन है उसे पा दो ओहो क्या बात है क्या बात है बॉस क्या बात है लो सर मैं तुम एक चीज़ दिखाना यह देखो ए इन्ना जूसी कबाब है पता नहीं तुम कैमरे से भी नजर आवे कि ना आवे हाले जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी ग्लोबल विलेज के विच मौजूद हैं और तुम एक बड़ी जबरदस्त डिश दिखा लगा बड़ी मज़ेदार डिश दिखा लगा अगर कभी मौका मिले ना यूएई दे विच या किधरे भी दुनिया दे विच पाकिस्तानी ते नहीं मिलती ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰ ਬੋਸਨੀਅਨ ਕਬਾਬ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਹਾਨਾ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਹਾਨਾ ਆ ਜਾਓ ਲੋ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਦਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬਾਬ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟ ਹੈ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਮਕ ਔਰ ਮਿਰਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਮੀਟ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦਿਖਾਉਣਾ ग्रिल के उत्ते पका के उस तो बाद इस तरह ब्रैड है ब्रैड करेंगे जनाब गर्म गर्म करके तो ब्रैड के अंदर सॉस वगैरह लगा के तो सारा सर्व करेंगे बेहतरीन किस्म का ए इन्हों सॉसेस ने देखो ए सॉसेस ने जो कि नाल है सर्व कर देना ऑर्डर असी कर दिता जनाब आ जाओ ऑर्डर तो वेट कर रहे हैं ऑर्डर आता तो फिर असी चेक करो टेबल चेक करो तांबे की टेबल बड़ा मजेदार सिस्टम है बैठने वाला भी और स्टूल और तांबे की टेबल ऑर्डर करने हैं देखने हैं कि की चीज़ की किस तरह है क्यों है कदों है कितने है लो हाँ जी लो सर जी ए आ गया सूट आ चेक करो सब तो पहले इस तरह भी किया जाए लैमन है उसे पा दो ओहो क्या बात है क्या बात है बॉस क्या बात है मिक्स करके ते बेहतरीन है बस बेहतरीन है और लग रहा है पी लो इन देर खाना भी आता फिर दिखाना लो सर सूप हो गया ख़त्म और खाना आ चुके हैं मैं तो दिखाना कि की है सबसे पहले है एक ब्रेड है ठीक है देखो यह ब्रेड है उस तो बाद छोटे छोटे कबाब छोटे छोटे कबाब ने नाल एस गार्लिक सॉस है यह स्पाइसी सॉस है और यह अनियन है प्याज है तो पहले यह देखो यह ब्रेड यह कुल्फी रोला बहुत ज़्यादा है क्योंकि पीछे कोई टोल शोल चल रहे ने कुछ एक्टिविटी चल रही है और बहुत ज़्यादा रोला है जिसकी वजह से शायद तो आवाज़ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आवे लेकिन सर है देखो यह ब्रेड ए आ गया कबाब ठीक है यह कबाब के नाल आ गई गार्लिक सॉस ए आ गया स्पाइसी सॉस और एक चीज़ दिखाना यह देखो यह इन्ना जूसी कबाब है ये देखो
पता नहीं तुम कैमरे से भी नज़र आवे कि ना आवे हाले बहुत जूसी कबाब है और मज़ा ऐसे ना बहुत है। बेहतरीन है बहुत नज़रा ख़त्म कर लो ठीक है सर। फिर बहुत ज़्यादा खा लिया मैं तो और ना हिम्मत ही हो रही हूँ मेरा दिल कह रहा हूँ ना इतने ख़त्म करा तो जावा स्कूल ना कार जाके सो जावा पेट में ख़त्म कर चुके हैं। बेहतरीन किस्म का टेस्ट थी और जिस तरह मैं तुम्हें दस्या कि है ना बोस्निया की स्पेशल एक डिश है जिन्होंने कहते हैं बोस्नियन कबाब छोटे छोटे कबाब बिल्कुल और वो सर्व किए जाते हैं ब्रेड के नाल और अंदर स्पाइसी गार्लिक सॉस एक स्पाइसी सॉस के नाल। सर ए आखिरी वीडियो ग्लोबल विलेज दी इस तो बाद इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग बहुत अच्छी जगह है मस्ट विजिट जगह है मैं दूसरे जरा पूरा एक ग्लोबल विलेज का एक व्लॉग है जिसके बीच पूरा दिखाया ग्लोबल विलेज बारे दे बीच वो मैं अपलोड कर देता है वो तुम जाके थले देख सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के बीच पा देंगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो खुश रहो आबाद रहो अल्लाह हाफिज़।